तो गाइस एक मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है डार्क कंट्री। लेंथ 1 घंटा 28 मिनट की है और इसकी हिंदी डबिंग काफी बढ़िया की गई है और आप इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो गाइस इसमें एक कपल को दिखाया गया है जो कि हनीमून के लिए वेगस जा रहे होते हैं, पर रास्ता में उन्हें एक आदमी मिलता है एंड उसके बाद उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो आखिर उन दोनों के साथ क्या होता है और वह आदमी कौन है एंड उनकी जिंदगी किस तरह से बदल जाती है, यही सब जानने के लिए तो आपको यह फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस जिस तरह से इसमें सस्पेंस एंड थ्रिल को दिखाया गया है वह काबिले तारीफ है और जो फर्स्ट हाफ में जिस तरह से टेंशन के माहौल को बिल्ड किया गया है और जिस तरह से कहानी चलती है वह देखने में बहुत ही मजा आता है। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पर ओवरऑल फिल्म आपको अच्छी लगेगी, फन टू वॉच है और इसमें आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, थोड़ा डरावना सा भी फिल्म है और थोड़ा थोड़ा आपको डर भी फील होगा इस फिल्म को देखते समय। एक्शन एक्शन की बात को तो देखिए इसमें कहानी वाला ड्रामा वाला फिल्म है, एक्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत फाइट सीन देखने को मिलेगा पर जिस तरह से टेंशन का माहौल को बिल्ड किया गया है, जिस तरह से मतलब ना उस टेंशन को मतलब माहौल बनाया गया है, पर्दे पर उतारा गया है, वह सब देखने में अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे से सब कुछ को एग्जीक्यूट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। पर जो फिल्म का एंडिंग है वह थोड़ा आपको शॉक करने वाला है एंड पूरा तरह से आपको बताता भी नहीं है फिल्म में कि आगे क्या होगा, मतलब हुआ क्या फिल्म के अंदर। तो जो एंडिंग है उसे देखकर आप शॉक होने वाले हैं और आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाइएगा कि एंड क्या होगा एंड हो क्या रहा फिल्म में। और थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि फिल्म बताया नहीं कि पूरा की फिल्म कहना क्या चाहता था, मतलब फिल्म आखिरकार कहना क्या चाहता था। तो देखिए फिल्म फन टू वॉच है, मजा आता है देखने में, अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा, इस फिल्म को देख लीजिए थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन के साथ। परफॉर्मेंस की बात करें तो जी हाँ सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो देखिए फिल्म थोड़ा सा पुराना है तब भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे प्रोडक्शन क्वालिटी को देखकर, अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी मजा आएगा देखकर। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आप एक ठीक ठाक मूवी देखना चाहते हैं, यदि आपके पास कुछ भी थोड़ा अच्छा देखने को नहीं है तो इस मूवी को देख सकते हैं, अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फैमिली के साथ मत देखिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।